अब ब्लेम तो लगते रहते हैं और कोई कुछ वो अभी तक मैं सोच नहीं पाया हूँ। मैं बस कोशिश कर रहा था और मैं पास कर गया। जो बच्चे विद्यालय से बाहर है उनके विषय में आपको क्या जानना है कि वो किस कैसे अंदर विद्यालय में आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें या फिर वो ऐसे ही जैसे चल रहा है वो चले हो, आपकी नजरों में क्या उचित है? मेरे नजरों के हिसाब से देखें तो अगर वो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, पढ़ाई उनका भविष्य है, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य नहीं बना पाएंगे। जल्दी जिनको गवर्नमेंट स्कूल जो शिक्षा प्रणाली है वो बुरी तरह चौपट है। हाँ, वहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। हाँ, क्या आपने सिर्फ ओनली स्कूल में डिपेंड हुआ था या फिर अलग से आपने कोई क्लास भी किया था? नहीं नहीं, मैं पूरा स्कूल में डिपेंड था और घर वाले मदद करते थे। क्या कभी कभी कोई कोचिंग भी की थी कभी कभी? नहीं नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ 10वां किया है तो अभी ट्यूशन पढ़ाने के लायक मैं अपने आप को समझता नहीं। हाँ जरूर, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि बच्चों में शिक्षा बांटना चाहूँ। जल्दी पूछिए। हेलो, आप बिहार में टॉपर हैं और इसके लिए आपको सरकार की तरफ से बहुत फंड मिला है, तो आप इस फंड से केवल अपने पढ़ाई में इस फंड को खर्च कर? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहूँगा गरीब बच्चों को कुछ देखिए। शिक्षा नीति से संतुष्टि और संतुष्टि मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, मैं भी उतना मैच्योर नहीं हुआ। अगर आपके जगह पर कोई दूसरा होता तो पता है? ये अपने आप को किसी से तुलना नहीं करना चाहूंगा, दूसरा भी होता है तो शायद मेरी तरह मेहनत करता तो ऐसे ही होता। मैं ये शिक्षा देना चाहूंगा कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। बिहार बोर्ड की पढ़ाई बहुत अच्छी है लेकिन अगर शिक्षक अपनी तरफ से मेहनत करे तो वो बेस्ट करेंगे। और शिक्षा नीति पे अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अभी सिर्फ मैंने 10वीं किया है। अच्छा, आपने जो 10वीं की एग्जाम दी है उसमें बिहार की जो नई शिक्षा नीति प्रणाली लागू हुई है उसमें और पहले की शिक्षा नीति क्या अंतर है? देखिए, मैंने 10वीं की परीक्षा पहली बार ही जिंदगी में दी है और मैं पास कर गया हूँ तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। परसेंटेज अदर बोर्ड की तुलना में कम क्यों आते हैं? मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया है। आप अभी किस विषय से को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी एक साइंस का सब्जेक्ट लिया। तो आप जो ये विषय लिए हुए साइंस, तो क्या आप ये टॉप आने के बाद ही ये सोचे कि मैं साइंस लूंगा या फिर? नहीं नहीं, मैंने पहले सोचा था। ये देखिए, सबका अपना अपना ये सोचने का तरीका होता है। आप अपने आप को अन्य विद्यार्थियों से किस तरह अलग मानते हैं? मैं अपने आप को कुछ जो है दूसरे अंतरिक्ष से आया हुआ कोई जीव नहीं मानता हूँ। मैं उन्हीं